विकास गुप्ता ने कल बातों ही बातों में एक बहुत बड़ी बात बोल दी है अर्शी खान को लेकर। आखिरकार क्या कहा है उन्होंने अर्शी खान के लिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पुराने व्यक्ति के साथ में एक ऐसे गेम शो पर चले जाते हैं जहां पर वो दोनों ही एक दूसरे के ऐसे राज को जानते हैं जिसका फायदा उठाया भी जा सकता है और नहीं भी। ऐसा ही कुछ हो रहा है विकास गुप्ता और अर्शी खान के बीच में, जहां अर्शी खान ने एक पल के लिए पोक जरूर कर दिया कि मैं तुम्हारे बारे में ये बता दूंगी, मैं वो बता दूंगी, लेकिन अर्शी खान ने कुछ कहा नहीं। लेकिन विकास गुप्ता के अंदर वो मन में डर जरूर डाल दिया कि हाँ अर्शी खान इस बात को कह सकती है। अब कल के दिन पर, कल का जो एपिसोड आया है, यहाँ पर विकास गुप्ता ने कई सारी बातों का खुलासा किया है। इस खुलासे के साथ साथ यहाँ पर विकास गुप्ता ने ये भी बताया है कि आखिरकार किस तरीके से अर्शी खान ने उनकी माँ के साथ में मिलकर यहाँ पर विकास गुप्ता को ब्लैकमेल किया था। इनफैक्ट ये कोई कुछ महीनों की बात नहीं है, यहाँ पर विकास गुप्ता के अकॉर्डिंग ये 2 सालों की बात है। और 2 सालों की जो ये कॉन्वर्जेशन है, उन्होंने कहा इसके मेरे पास में प्रूफ भी है, इनफैक्ट इसने मुझसे माफी मांगी है तो मैंने इसे माफ भी किया है। इनफैक्ट शिल्पा शिंदे की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अर्शी खान ने विकास गुप्ता को प्रोवाइड कराई है। इनफैक्ट उनकी माँ की रिकॉर्डिंग जो है वो भी अर्शी खान ने विकास गुप्ता को दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग वाली चीजें हैं। इनफैक्ट विकास गुप्ता ने ये भी कहा है कि वो घर से बाहर निकलकर अर्शी खान पर केस करने वाले हैं। सो गाइस देखो, अभी ये सिर्फ चीजें जो है वो सिर्फ बोलने के लिए है, या इन बातों में जरा भी सच है, इन बातों के जरा भी हाथ पांव है, ये तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि विकास गुप्ता को लगता है कि उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी बर्बाद होने में कहीं ना कहीं अर्शी खान का भी हाथ है। सो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।